स्टार्ट कर दो भैया सुदर्शन जी गाइस वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सब लोगों को यस गाइस वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन फोर्थ सेशन है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे के पूरे जो बुक में दिए हैं वो सारे कराता हूँ मैं है ना बिकॉज एन करनी जरूरी है और बाकी कोई तो पढ़ाता नहीं है तो हमने कहा हम भी पढ़ाते हैं एन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना तो so, उसके सोल्यूशन हम देंगे एंड बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द क्लास इलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स स्पेशली क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स लाइक जिनका अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है एंड डिड इट वंडरफुली वेल गाइस ठीक है हमसे उनसे पूछना लाइक like, आई नो इट्स ब्रैगिंग बट करना जरूरी है क्योंकि जो हमने पढ़ाया था ना एक दिन पहले एक रात पहले हमने एक सेशन लिया था ठीक है बेटा? उसमें हमने सारे थे वो वाला सेशन देखना और अब क्वेश्चन पेपर उठा के देखना आई गेस फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन केम फ्रॉम दैट ओके जो एक क्लास एक घंटे की क्लास में आई होप अंडरस्टैंडिंग है ना तो दैट इज दैट इज वॉट वी आर स्टार्टिंग विद टर्म टू सिलेबस तो आई वॉन्ट टू टेल यू यू आर इन सेफ हैंड्स अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो यू आर डेफिनेटली इन सेफ हैंड्स ओके बेटा और अगर आपको यहां पर अच्छा लगता है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट द टर्म टू कोर्स ऑन वेदांतु ऐप ऑल्सो ठीक है इमरजेंसी बता देता हूं यस yes. वेदांतु के ऐप में बेटा फ्री के टेस्ट अवेलेबल है बहुत सारे यू कैन गो एंड चेक दैम आउट ऑल्सो है ना अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट वेदांतु में अमेजिंग सा कोर्स है बेटा डेवलप करा हुआ है टर्म टू के लिए जिसमें आपके सारे के सारे डाउट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एंड असाइनमेंट्स आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा एंड रिविजन प्लान हिंदी और इंग्लिश यू कैन कवर ऑल दीज थिंग्स ओके दिस आर टर्म टू कोर्स फॉर क्लास इलेवेंथ एज वेल एस ट्वेल्थ ऑल्सो इज एक्सिस्टिंग ओके एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कहां पे है ये कोर्स कहां गया ये कोर्स ये रहा देखो ये हमारी वीडियो चल रही है है ना हमारे वीडियो के जब आप नीचे आओगे हियर यू कैन सी ग्रेड इलेवन टर्म टू फुल सिलेबस क्लिक ऑन दिस आप जब यहां पे देखोगे बेटा यू विल सी दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर एट नाइन नाइन रुपीज फॉर क्लास इलेवेंथ फिफ्टीन डेज लिखा है बट यू विल गेट थर्टी डेज कोड ए आर ए प्रो बेटा ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है नौ सौ रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी फोर सब्जेक्ट ऑनली एट अस्ट ऑफ नाइन हंड्रेड रुपीज आई यूज टू पे टू थाउजेंड रुपीज फॉर वन सब्जेक्ट मेरे टाइम पे बहुत पुरानी बात हो गई है समझ रहे हो तो इट इज वेरी अफोर्डेबल यू शुड डेफिनेटली ट्राइट आउट वंस इसमें बहुत ज्यादा फीचर है बेटा इफ यू सी लाइव क्लासेस टेस्ट एंड एनालिसिस होगा हर हर फिफ्टीन डेज का एक चैप्टर टेस्ट होता है ट मिलते हैं नोट मिलते हैं डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास अगर आपको डाउट ऐप चाहिए तो यू कैन एनरोल इन टू दिस वन ऑल्सो है ना क्लासिक एंड प्लस इफ यू नीड अ पर्सनल टीचर आई वु ना यू जस्ट ट्राई दिसंटी नाइन इज नाइस इसमें चार सब्जेक्ट प्लस चैप्टर वाइज कोर्सेज भी चलते रहते हैं माइक्रो कोर्सेज चैप्टर वाइज मतलब आप ये तो पढ़ ही रहे हो उसके अलावा आप पूरा फायदा उठाओ सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो इतने कोर्सेज होते हैं समझ लो कोई आपको लेवंथ का चैप्टर रिफ्रेश करना है पहले वाला तो वो भी आप रिफ्रेश कर सकते हो आई होप अंडरस्टैंडिंग इट 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 इज वर्थ गिव अ वंस एट लीस्ट ओके चलो मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस मैंने आपको बता दिया कैसे एनरोल कर सकते हो द वीडियो वीडियो के नीचे दिस इज द लिंक एंड यू कैन कम ओवर यू एंड एनरोल इन टू दैट है ना इफ कोड ए आर ए प्रो यू विल गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट और यू विल गेट एक्स्ट्रा यूल डेज ऑल्सो है ना परफेक्ट अब गया यस yes, थोड़ा नीचे आते हैं ग्रेट ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था दिस वॉज अ होमवर्क क्वेश्चन गिवन टू यू पीपल अले मैमल मेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरीज इन हैविंग थिकर वॉल्स दे आर डीपली प्रेजेंट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और वॉल्स वॉल्स होती है, है ना? Perfect. आशु कौशिक कह रहे हैं हमने सब्जेक्ट को फनी बना लिया और इजी बना लिया <laughs> हाँ बेटा हम तो कमेडियन है ना देन दर इज मोहम्मद कैफ सर टूडे आई लव देशन आंसर आई जॉइन विद आंतु फॉर नीट लास्ट वीक I'm really happy there and Vedantu teachers are really awesome and amazing. Now I'm am confident that I can crack NEET in my first attempt. Very good बेटा, देख रहे हो? देख रहे हो ये बच्चा हमारा? Perfect. तो सबकी तारीफ हो गई, आपकी भी तारीफ हो गई, मेरी भी तारीफ हो गई. तो अब start करते हैं questions को. पहला question है बेटा, ज़िंदगी में पहला question क्या है? Name the component of formed by elements in the blood and mention the major function of each one of them. Component क्या है blood के? बताओ. बता सकता है बट्टो पट्टो बिट्टो बिट्टो बच्चो क्या है ये थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या हम्म यस व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड गाइस यस प्लाज्मा होता है, है ना डब्ल्यू बी सी आरबीसी सॉरी आरबीसी को पहले लिखना पड़ता है प्लेटलेट बस इज्जत की वजह से प्लेटलेट्स <laughs> है ना बेटा तो प्लाज्मा प्लाज्मा फूड वगैरह है ना बेटा प्लाज्मा क्या करता है अरे क्या करता है है बेटा इसके अंदर होते हैं है ना बेटा और है? ये enzymes, करता क्या करता है RBC ये न्यूट्रिएंट्स एंजाइम्स आयंस वगैरह को कैरी करता है हमारा आरबीसी वह क्या करता है आरबीसी ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है डब्ल्यू बी सी ये डब्ल्यू बी सी करता है यह हमका इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये कोविड जैसी बीमारियों से हमारी लड़ने में मदद करता है ये प्लेटलेट क्या करता है प्लेटलेट चोट सही करता है प्लेटलेट को प्लेटलेटे बेटा ये हमारी चोटें सही करता है इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड जब आप गिर जाते हो खून निकलता है फिर रो रहे होते हैं मम्मी चोट लग गई तब क्या होता है तो क्लॉटिंग होती है आपकी ब्लड की वो क्या करता है प्लेटलेट करता है वैसे खैर में तो ख्यार पड़ते हैं मतलब मेरे ख्याल से <laughs> मतलब बचपन में तुम गिर के चोट लगती है जब 11, 12th में आ जाते हो तो या तो सर फूट रहे होते हैं या फिर मतलब बहुत ही बड़ी चोट लगती है <laughs> आपस में लड़ मर के यू नो सर फूट रहे होते हैं या फिर नाखून वाखून लग रहे होते हैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस बट इसमें समझने के लिए क्या है मेरे बच्चे इसमें तो समझने के लिए क्या है इसने पूछा कॉम्पोनेट ऑफ द ब्लड बताओ और उनका काम बताओ मैंने बताया आरबीसी है ना बेटा आरबीसी क्या करता है दे कैरी ऑक्सीजन कंटेन पिगमेंट कॉल्ड एस है ना बेटा ये बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है ये फालतू की चीज लिखने की जरूरत नहीं मैसे डब्ल्यू बी है ना बेटा दे डब्ल्यू बी सी आर डिफरेंट टाइप्स बहुत ज्यादा टाइप्स के होते हैं तो दे हेल्प इन इम्यूनिटी दे प्रोवाइड इम्यूनिटी ठीक है बेटा मतलब ये बहुत नैरोबू बी सीज आर ऑफ मतलब एक तरह के हैं और भी डब्ल्यू होते हैं तो जनरली दे प्रोवाइड इम्यूनिटी प्लेटलेट कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में भी आप लिख सकते हो ना बेटा अच्छा यहाँ पे लिख लिया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन है ना बेटा प्लाज्मा प्रोटीन बेटा फाइब्रिनोजेन होते हैं एल्बमिन होते हैं होते हैं ये सब प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इनके काम क्या होते बेटा देखो ग्लोब एनसीआर की लाइन है ग्लोब्यूलिन है ना बेटा दे आर आर इन डिफेंस मैकेनिज्म एंड कॉल्ड एज इम्यूनोग्लॉबिन ये करते हैं बेटा इम्यूनोग्लॉबिन होते हैं ये डिफेंस में हेल्प करते हैं कैसे ये बेटा एंटीबॉडीज बनाने के काम आते हैं ये एंटीबॉडीज बनाने में काम आते हैं एल्बमिन ये बॉडी में आयोनिक बैलेंस और ऑस्मोटिक बैलेंस वाटर और आयन का बैलेंस बनाने में काम करते हैं, है ना ना हैं? ब्लड क्लॉटिंग में एक चीज बताओ बेटा देखो होता है, है दोनों चीजें हेल्प करती है ठीक <laughs> है ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट अ सेल विच हेल्प ब्लड क्लॉटिंग इज अ प्रोटीन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लॉटिंग ओके

इन्फेक्शन आरबीसी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है बेटा गैस मतलब वो वाली गैस नहीं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है <laughs> सर ये तो गैस ट्रांसपोर्ट करता है नहीं ए बी ब्लड ग्रुप और सॉरी यूनिवर्सल रेसिपियंट प्लेटलेट हेल्प इन कोएगुलेशन है ना बच्चे रेसिस्टेंट हमने बताया ठीक है परफेक्ट ग्रेट जॉब वाई डू वी कंसिडर ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कंसिडर करते हैं क्योंकि बेटा इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग द बॉडी है ना ऑब्वियसली बात है <laughs> मतलब ऐसा लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे बेटा इट इज मीसोडर्मली डिराइव्ड एंड कंटेेंस अ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा बेटा देखो होता है क्या है ना कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें तीन चीजें होती है व्हाट आर थ्री थिंग्स उसमें बेटा एक होना चाहिए प्लाज्मा उसमें होना चाहिए सेल और उसमें होना चाहिए फाइबर

नेक्टेड यू लिंक एंड बाइंडिंग सपोर्ट टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी दर बाय ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिय इन द बॉडी एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी फ्लो थ्रू द बॉडी कनेक्टिव टिश्यू बस इसको बताए उसके काम किनवा दो आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आर बी सी प्रोवाइड इम्यूनिटी सपोर्ट अदर ऑर्गन प्रोवाइड्स न्यूट्री एंट हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स है ना तो आप ये सब काम गिर दो दैट इज वाई इट इज कनेक्टिव टिश्यू इतने सारे काम करता है मोस्ट अबंडेंटली फाउंड है यस yes. ठीक है देखते हैं वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड व्हाट इज द डिफरेंस बिट्वीन लेम्फ एंड ब्लड व्हाट इज द डिफरेंस बिट्वीन लिम्फ एंड ब्लड बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना बेटा यस लिम्फ क्या है व्हाइट कलर का फ्लूड है

बेटा देखो लिम्फ आपको पता है ना मैंने पढ़ा रखा है लिम्फ क्या होता है बेटा ये जब हमारा ब्लड किसी ऑर्गन के पास पहुंचता है ये मान लो ये ऑर्गन है ब्लड इस ऑर्गन के पास आया है ना बेटा ब्लड इस ऑर्गन के पास आया तो क्या होता है जब ब्लड यहां से फ्लो करता है यहां पे मान लो सेल्स हैं तो प्लाज्मा यहां से निकलता है प्लाज्मा कैपिलरी से, से निकल के सेल को सराउंड करता है ताकि सेल प्लाज्मा से चीजें ले ले ठीक है बेटा फिर ये प्लाज्मा वापस चले जाता है प्लाज्मा और WBC कैपिलरी से निकल जाते हैं और सराउंड करते हैं सेल को और सेल उसमें से चीजें निकालता है और प्लाज्मा और WBC वापस जाते हैं बट ऐसे प्रोसेस में में क्या होता है बेटा बीच में कुछ प्लाज्मा लीक आउट कर जाता है बीच में कुछ प्लाज्मा लीक आउट कर जाता है एंड इट फॉर्म्स द लिम्फ ये जो लीक आउट प्लाज्मा विद डब्ल्यूबीसी होता है इसको लिम्फ कहते हैं और ये लिम्फ वापस इस लीकड फ्लूइड को और उसमें डाल देता है वेन्स में डाल देता है दैट इज द दर्पज ऑफ लिम्फ लिम्फ क्या करता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टेक्स न्यूट्रिय एंड यू नो अदर सब्सटेंसेस ऑक्सीजन गैसेस वगैरह टू द प्लेसेस वेयर द ब्लड कैन नॉट गो एंड नंबर थ्री इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट ओके परफेक्ट व्हाट इज मेन्ट बाय डबल सर्कुलेशन व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस भैया डबल सर्कुलेशन क्या है द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन साइकिल Johomara blood it flows through the heart twice during one cycle. It is that, that is why it is called as double circulation. What is its significance? It helps to keep oxygen-rich blood and deoxygenated blood separate, and which increases the efficiency of the utilization of the gases. Now, when blood circulates twice in the heart. The blood राइट right एंडरिकलेशन एक है, pulmonary circulation, बताया था आपको स्टार्ट कहां से होता है बेटा राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है थ्रू पलमनरी आर्ट्री गोज टू दंग्स लंग्सरी वेन देन लेफ्ट एट्रियम दिस इज पलमरी सर्कुलेशन है

है ना ऑक्सीजन इज यूटिलाइज यस गाइज नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को कौन सा करना है आप लोग कौन सा चैप्टर करना चाहते हो नेक्स्ट बेटा अभिषेक से मेरी बात नहीं हुई है आई कॉल मैं बात नहीं कर पाया उनसे यस डाइजेशन तो बेटा मैंने पहले करा दिया था डाइज हम करवा चुके थे <laughs> अरे ये एग्जाम में थोड़े तो टर्म टू का सिलेबस है सेल डिवीजन ठीक है सेल डिवीजन कर सकते हैं सेल डिवीजन करेंगे नेक्स्ट ठीक है? चलो इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन सिस्टोडाइस एंड पी वेव एंड टी ये तो इजी है बेटा है ना एक बार देख लेते हैं ना ये तो अभी हमने करा था लिम्फ और ब्लड के बीच में तो है ना वाइट टिश्यू रेड कनेक्टिव टिश्यूस ये तो अभी करा था, तो कर था आगे देख लो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन स्पेसेस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स नहीं होती है ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इट पास थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है ब्लड फ्लो इज रेगुलेटेड

एनीवे सिस्टोल एंड डायस्टोल बेटा सिस्टोल क्या होता है सिस्टोल इज अ कॉन्ट्रैक्शन फेस ऑफ अ हार्ट जब हमारा हार्ट कंट्रैक्टेड होता है उसको सिस्टोल कहते हैं डायस्टोल इज अ रिलैक्स फेस ऑफ हार्ट सिस्टोल डायस्टोल ओके यस सिस्टोल इज अ कंट्रैक्शन ऑफ द चैंबर्स ऑफ द हार्ट डायस्टोल इज अ रिलैक्सेशन ऑफ द चैंबर्स ऑफ द हार्ट इट कॉसेस इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर विद इन द हार्ट इट कॉसेस यस द ब्लड प्रेशर टू डिक्लाइन ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द चेंस ब्लड इज जब आप सिस्टोल होता है तो ब्लड हार्ट से बाहर जाता है blood अंदर आता है, है ना आगे, याद है? है क्या थी? ना, वो मूवी में आती है ना टू 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 लाइक दिस है ना बट दिस इज पी क्यू आर एस एंड टी पी वेव डिफिक डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ एंट्रिकल, पी वेव क्या है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया टी वेव इज रिपोलराइजेशन ऑफ एंट्रिकल। ब्लड इज पंपड इनटू द वेंट्रिकल बाय पी वेव ब्लड इज रिसीव्ड बाय द एट्रिया पी वेव में क्या है ब्लड इज पंपड इनटू द वेंट्रिकल इन द पी वेव ब्लड इज रिसीव्ड बाय द एट्रिया इन द टी वेव यस परफेक्ट आगे चलते हैं डिस्क्राइब द एवोल्यूशनरी चेंज द पैटर्न ऑफ द हार्ट अमॉन्ग वर्टिब्रिट एवलरी चेंज क्या देखो फिश में क्या है अगर आपने देखा होगा फिश इट है इनमें होता है थ्री चेंबर्ड हार्ट फिर आते हैं रेप्टाइल्स इसमें भी हम कहते हैं थ्री है बट इनका थ्री एंड हाफ होता है क्यों देखो इसमें तो एक एट्रिया एक वेंट्रिकल हो गया इसमें क्या होता है बेटा दो एट्रिया एक वेंट्रिकल में क्या होता है ना बेटा दो एट्रिया और तीसरा मेट्रिकल मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में एक वॉल फॉर्मोना शुरू होती है तभी क्रोकोडाइल इज अल चेंड बर्ड्स इनके होता है बेटा फोर चेंबर्ड हार्ट ठीक है ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना बेटा hmm. अरे वर्टिब्रेट्स का बेटा मस्कुलर हार्ट होता है है ना दो चेंबर से मैंने बताया आपको थ्री चेंबर इन एम्फीबियन वही सेम चीज बता रहे हैं है बेटा आप इसमें पॉइंटर ऐड कर सकते हो यू कैन से फोर चेंबर हार्ट हैज मोर एफिशिएंसी जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड और डिऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड सेफ रहता है है ना तो यू कैन ऐड ऑल दिस पॉइंट व्हाई डू वी कॉल आवर हार्ट एज मायोजेनिक िकॉज इट कैन प्रोड्यूसिस प्रोड्यूस इंपल्सिस ऑन इट्स ओन हार्ट कॉमजिनिक खुद से इंपल्सिस प्रोड्यूस कर पाता है मायोरेफर्स टू मसल मायोरेफर्स टू मसल जेनिक रेफर्स टू ओरिजिनेटिंग फ्रॉम है ना द ऑल्टर्ड कार्डियक मसल और नोडल टिश्यूज ऑफ द हार्ट द साइनो एट्रियल नोड इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग इंपल्सिस दैट एक्सटेंड

बताओ बिकॉज गाइस बंडल ऑफ न्यूरोन जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस अ कार्डियक इंपल्स विदाउट एनी एक्शन दैट इज इट इज ऑटो एक्साइटेबल बेटा बेटा मेंटी मिसिंग कर रहा देखो Just a second.

सिबल फॉर इनिशियटिंग एंड मेंटेनिंग दस कॉन्ट्रेक्टल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इनिशिएट भी करता है उसको मेनटेन भी करके रखता है ऑफ द हार्ट सिग्निफिकेंस ऑफ एटीओ वेंट्रिकुलर नोड एंड एटीओ वेंट्रिकुलर बंडल आपको याद है ये मैंने डायग्राम कराया था इफ़ यू रिम्बर यू कैस रिमेंबर दिस इज द हार्ट आपको याद होगा ये मैंने हार्ट बनाया था लाइक दिस यहां पर मैंने बनाया था एस ए नोड है ना दिस इज एस ए नोड दिस इज एवी नोड यहां पर देखो

जैसे कि मैंने बताया था पहले क्या होता है पहले जॉइंट डायस्टोल दोनों रिलैक्स में होते हैं फिर होता है एट्रियल सिस्टोल एट्रियल सिस्टोल होता है है ना फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है पहले एट्रिया होता है फिर वेंटिकुलर फिर होता है जॉइंट डायस्टोल फिर दोनों के दोनों रिलैक्स होते हैं दिस इज साइकिल कार्डियक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल इन वन टाइम

और एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है हार्ट उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं माई बैट स्ट्रोक इज द टाइम इट एक बार में कितना पंप होता है समझ रहे हो बच्चो बेटा तुम लोग आपस में अपनी बतिया रहे हो ये सुन रहे हो समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूं Perfect. yes Hena. relaxation or expansion of a face is also referred to as diastole whereas contraction is referred to as systole contraction systole relaxation diastole every stroke is followed by a diastole cardiac cycle is a series of events that take place in one complete heartbeat cardiac cycle is okay, a series of events that take place in a one complete heartbeat it is for about

डब इज प्रोड्यूस बाई क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर वॉल जो कि हमारा राइट right वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है है ना लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में और राइट right वेंट्रिकल और पल्बनरी आर्ट्री के बीच में होता है नेक्स्ट वन तो ये मैंने बता दिया है हार्ट जनरेट टू साउंड लब एंड डब है ना द साउंड इज प्रोड्यूस इन अ सीक्वेंस

रिलेक्सेशन और वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन शमोन परफेक्ट चलो बेटा थोड़े क्वेश्चंस कर लेते फॉर सम क्वेश्चन अडल्ट ह्यूमन आर्मीज न्यूक्लिएटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोपरेटली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फीचर दे डी नॉट नो टू रिप्रोड्यूस देटिक सेल्स दे डू नॉट मेटाबोलाइज इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बताओ क्या जवाब होगा इसका बेटा बेटा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर टेस्ट करेंगे प्लीज okay? तो ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है, चार क्लास में वो जाके एक बार देखना उसको समझना फिर आके नेक्स्ट टाइम चैप्टर टेस्ट करेंगे बेटा डू नॉट मेटाबोलाइज हाँ उनकी मेटाबोलिक एक्टिविटी कम होती है क्योंकि उनके पास माइटो कॉन्टी वगैरह नहीं होता द इंटरनल स्पेस अवेलेबल फॉर यस दो आंसर इज 1 3 एंड 4 यस है ना बेटा डॉक्टर्स यूज द साउंड ड्यूरिंग एज का साउंड हार्ड वेन सेकेंड साउंड कब आता है बहुत है अभी मैंने मैंने बताया था बेटा अजय जैसे बताया ना बेटा एक्चुअली हो क्या गया है हमारा वेदांतों का सब्सक्रिप्शन खराब खत्म हो गया मेंटी वाला है ना और मेंटी पीपल आर आस्किंग थर्टीन फोर्टीन लाख रुपीस मांग रहे हैं तो इतने पैसे हमारे पास है नहीं ठीक है <laughs> तो मेंटी हो नहीं रहा है जिंदगी में हा हम्म hmm. समझ रहे हो ये हो गया लालची मिंटी वाले बच्चे एक्चुअली <laughs> वो री इश्यू नहीं हो रहा है हमारा उनकी टीम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद मेंटी टीम एक्चुअली तो दैट इज द प्रॉब्लम ओके आंसर इज ऑप्शन बी सेमिनार वॉल क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड विच इंट सेकेंड वजह से होता है मैच द कॉलम ये देखो बहुत ही आसान है अभी हमने क्वेश्चन एनसीआरटी का क्वेश्चन भी करा था बेटा नाइन्थ तो और टेंथ का पांच पांच क्वेश्चन हो रहे हैं पांच क्वेश्चन पांच 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 करके कर रहे हैं अगर तुम कहोगे तो फिर मैं भी पांच पांच करके करूंगा बट वो जिंदगी में दिक्कत है यार बहुत पांच बार फिर मेरे को ऑन करना पड़ेगा समझ रहे हो एट अ टाइम यू कैन नॉट डू मोर देन फाइव क्वेश्चन नाइन्थ तो और टेंथ में इसलिए हो रहा है इट इज लॉट ऑफ हासिल देखो गाइस देखो मेंटी क्यों करना है तुम्हें छोटे बच्चों का तो समझ में आता है फिर भी तुम लोगों का तो यार एम क्या है सीबीएसई और आई गेस बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है और नीट क्लियर करना है तुम लोगों का एम तो ये है तुम्हें मेंटी क्यों करना है यार छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है आई नो मेंटी अच्छा लगता है बट बर... जिंदगी में सब चीजें नहीं मिल पाती ना <laughs> कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा है ना बेटा तो ये क्वेश्चन आसान है बेटा फाइव हमने देखा था है ना बेटा फाइव ब्लड क्लॉटिंग है ना यस और क्या है यस मैकेनिज्म एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक आईडेंटिफाई दैरेक्टरिस्टिक बेस ऑफ न्यूट्रोफिल बेसोफिल अरे ये हमने पहले भी कर रखा है ये क्वेश्चन पहले भी करा एक्टली रिस्पॉन्स परफेक्ट यस लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट कॉमन गाइड

सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग एल्बमेंट्स लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स लैकिंग एंटीबॉडीज और लैकिंग ग्लॉबल्स ये आपको बताना इन द कमेंट बॉक्स परफेक्ट। यस। परफेक्ट कूल बेटा ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन होती है देखो मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो उससे आउटपुट मिलता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो ग्र, ग्राम मशीन इज ग्राफ द आउटपुट इज ग्राम ओके परफेक्ट कूल गाइस तो आई गेस आज की यहीं पे समाप्त करते हैं और जैसे मैंने बताया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टर्म का कोर्स स्टार्ट हो गया है, है ना? That, ठीक है बच्चे एंड डू नॉट नॉट फॉरगेट टू द आंसर फॉर होमवर्क क्वेश्चन टेस्ट होगा पढ़ के एमसीक्यू टेस्ट होगा तो हेल्प यू नीट तो हेल्प यू नीट कुल तो परफेक्ट I'll see you in the next class, guys. Have a great day. Lots of love. Thank you for joining. Do let me know the answer for the homework question and let me know your yes. Any doubts if you have? Okay. Bye. -bye. Take care. Lots of love. Thank you.